हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज जो लेक्चर मैं लेने वाला हूँ ना, काफ़ी कमाल का लेक्चर है। यकीन नहीं हो रहा है ना, पक्का यकीन नहीं हो रहा है ना। आप अभी से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए, पक्का आपको यकीन हो जाएगा कि भाई आज का जो लेक्चर बना है काफ़ी ही कमाल का बना है। इस तरह का जो क्वेश्चंस हमारे कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या और भी कोई कंपटीशन में आता है, हम लोग क्या करते हैं ससुराल, नीचे से लेकर ऊपर बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसा टॉनिक बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ मिनट छोड़िए, सेकेंड छोड़िए, बस 2 से 3 सेकेंड में चुटकी में बन जाएगा। पक्का विश्वास नहीं हो रहा है, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हम कैसे दिलाएं, लेकिन हम कह के नहीं दिलाएंगे बाबू, हम जो है डायरेक्टे आपको करके दिखाएंगे। और सिर्फ इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं, इसमें एक से एक जटिल, चाहे प्लस हो, माइनस हो, एक्स वाला हो, कोई भी क्वेश्चन हो, है ना, उसको हम डायरेक्ट ट्रिक से लिखेंगे आंसर। अब देखिए ट्रिक कैसे होता है भाई, सीधा समझो किसका आंसर कितना होगा। सीधा पहले ये देखो कि पहले हम बेसिक समझा देते हैं, वकर बाद जो है ना बस 2 से 3 सेकेंड में आंसर लिखने के लिए सिखा देंगे। और इस वीडियो को आप स्किप मत करना, है ना, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस ट्रिक्स को समझाने वाला हूँ आपको, और उसको आपको एग्जामिनेशन में कैसे यूज करना और कैसे इसको 2 से 3 सेकेंड में क्लियर कर लेना है, इसको सीखिए। सबसे पहले ये देखिए भाई, आपको नीचे में कितना है, 3/5 है, कितना है, 3/5 है, ये 3 है और ये 5 है। तो भाई कुछ मत कीजिए, इसको पहले 3 लिख लीजिए और (5) लिख लीजिए, पहले 3 लिख लीजिए और बाद में क्या कर दीजिए, 5 लिख दीजिए, ठीक है, 3 और 5 लिख दिए। अब उसके बाद देखो भाई क्या करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं करना है भाई। देखो कितना 1 है, 1 2 3 4, कितना 1 है, ये 1 कितना, 1 2 3 4, 4 1 है ना भाई, कुछ मत कीजिए, 1 2 3 4 कर दीजिए, 4 लाइन दे दीजिए समझने के लिए। अब देखिए कमाल, अब देखो कमाल, वो गाना सुना है ना, कौन, देखो देखो रे हमारा कमाल मितवा, तो भाई वही कमाल करने वाले हैं। देख लो कहा है भाई, 5 3 8, देखो 5 3 8, 8 5 13, जोड़ते चलो, देखो 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, और 21 13 कितना होता है भाई, 34, कितना होता है, 34। अब देखो कमाल, तो 17 21 13 34 हुआ ना, तो भाई इसको पहले लिखिए 21/, इसको बाद में लिख दीजिए 34, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अभी भाई शुरुआत किए हैं और आगे आगे देखो कैसन कैसन कमाल करते हैं, पक्का आप शुरू से अंत तक बने रहना, ठीक हो। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे भाई। पहले ये देखो, ये फ्रैक्शन क्या है, 3 है 5 है, कुछ नहीं करना भाई, पहले 3 लिख दिए फिर बाद में 5 लिख दिए। उसके बाद देखो 1 कितना बार रिपीट किया, 1 2 3 4 है, तो 4 लाइनिंग दे दिए। अब देखो भाई 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21 21 13 34, पहले इसको लिख लेना है और बाद में क्या करना है, इसको लिख लेना है 34, 21/34, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आते हैं, दूसरे टाइप का, ये तो पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप, फिर दोनों टाइप को मिला करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, ठीक है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए, कमाल का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या किया हमने, यहाँ 1+ कर दिया, पहले देखो यहाँ 1+ नहीं था, अब क्या किया, यहाँ पे 1+ कर दी, 1+1/, इस तरह से गया मेरा, नीचे 1/3 है भाई, कुछ नहीं करना है, 1+ करे कुछ नहीं करना है, देखो डायरेक्ट में आंसर भाई क्या है, 1/ आपको 3 है, तो 1/3 है, इसी को बस देखना है, इसी को देखना है, तो पहले 1 लिख लीजिए बाद में 3 लिख लीजिए, पहले 1 लिख लीजिए बाद में 3 लिख लीजिए। अब देखो ये कितना बार लिखा है, ये जो है कितना टाइम रिपीट किया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है तो भाई 5 को दे दो, 1 2 3 4 5 दे दिए, दे दिए। अब जोड़ते चलो, वही काम करना है, कमाल करते चलना है, और जो है ना कमाल करोगे अपने आप बवाल हो जाएगा। आ जाओ भाई देखो, 3 1 4 हुआ, 3 1 4 हुआ, है ना। अब देखो 4 3 कितना हुआ, 7, और 7 4 कितना हुआ, 11, 11 7 कितना हो गया, 18, 18 11 कितना हो गया, 29, 29।
अब यहाँ पर देखना भाई दो को बात, अगर यहाँ पे अगर प्लस वन नहीं है, अगर प्लस वन नहीं है तो ये पहले वाला ऊपर रहेगा 18/29 होगा। अगर ये प्लस नहीं है यहाँ पर, तो अगर भाई यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो ये ऊपर जाएगा 29/18 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अगर यहाँ प्लस नहीं है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बढ़िया क्वेश्चन लेकर आ रहे भाई। देखो भाई, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर हमारे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए, उनके लिए शेयर कर दीजिए। भाई शेयर करने में कुछ नहीं लगता है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत कर देना है, ओकरे एवज में हमको फायदा हो जाएगा। अगर कहीं ना कहीं आपके लिए हम कुछ करते हैं तो आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, तब मज़ा आता है, ठीक है। चलो हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं, इससे भी धमाकेदार क्वेश्चन, जबरदस्त ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलो ये क्वेश्चंस को देखते हैं, जबरदस्त तीसरा क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ वेरिएबल ले लिया है ताकि आपको कभी कभी दिक्कत ना हो, तो भाई कुछ नहीं करना, वही रूल है। क्या है, वन है तो पहले वन लिख लिए, बाद में क्या है पी लिख लिए, पहले वन लिख लिए बाद में पी लिख लिए, और उसके बाद देखो भाई 1 2 3 4, 4 है तो 1 2 3 4, 4 को रिपीट कर दिए। अब जोड़ना है भाई, अगला में से इसमें जोड़ना, इसमें से इसको जोड़ना, प्लस है तो प्लस करना, माइनस है तो माइनस करेंगे, लेकिन अगला में करेंगे, इन्हें सोचा पिछला में कर देना, पिछला में करेगा गड़बड़ हो जाएगा, और सोचा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर सोच सकते हो ना, अगर अपना वाले की जगह अगर दूसरा वाले का हाथ पकड़ लिया, दूर जा करके पता चलेगा अरे बाप रे तो चोरी किया, वो भी चोरी वो वाला चोरी, सोचा 10 गड़ा पड़ जाता है, खाते अपने वाला को लेना, मतलब अगला में पिछला को जोड़ना। आ जाओ देखो, पी में प्लस वन करेंगे तो भाई पी प्लस वन होगा, आगे जो p प्लस वन में p करेंगे तो 2p+1 हो जाएगा, अब 2p+1 में p+1 करेंगे तो 3p+2 हो जाएगा, अब 3p+2 में इसको जोड़ेंगे तो भाई 5p+3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेना भाई, यहाँ प्लस है तो क्या होगा 5p+3 बटे 3p+2 होगा। अगर यहाँ प्लस है तो अगला ऊपर होगा, पिछला नीचे होगा। अगर यहाँ प्लस नहीं है क्या करोगे भाई, पहले पिछला ऊपर होगा बाद वाला नीचे होगा, ठीक है। आ जाओ, ठीक है तो ठीक है। तो भाई अगर समझ में आए ना, कमेंट करते रहना, बाद में आपके लिए वो होमवर्क छोड़ के जाएंगे ताकि आपको आंसर देने में सुविधा हो जाए। चलो हम अगला क्वेश्चन को देखते, इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए भाई अब की बार थोड़ा सा माइनस लेके जा रहे हैं, क्योंकि प्लस वाला तो दो बार कर चुके, एक बार माइनस वाला लेके करेंगे तब ना मजा आएगा। प्लस माइनस जुड़ता तो ससुरा क्या क्या होता पता है ना, एक खाते एग्जामिनेशन में माइनस आ जाएगा तो माइनस वाला करेंगे, रूल वही है भाई। क्या है तो पहले फ्रैक्शन को लिख लो, 1/1 है 9 है, ओकरे बाद देखो कै गो 1 है, 1 2 3 4 है, तो भाई 1 2 3 4 कमाल कर देंगे, कमाल कर देंगे और बिहार में बवाल कर देंगे। आ जाओ, और तू लोग भी करना, तू लोग भी प्रैक्टिस करना, और जो दिक्कत हो ना कमेंट करना, कमेंट करना, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हो, नंबर दिया हुआ है। अब देखो भाई, अब यहाँ देखो माइनस है कि प्लस है, तो भाई माइनस है तो अगला में पिछला को माइनस करेंगे, अगला में पिछला को माइनस करते जाएंगे। देखो 9 में से 1 गया 8, 9 में से क्या गया 9, देखो 9 में से 1 गया 8, अब 8 में से 9 गया -1, ठीक है। अब -1 में से 8 गया तो -9, अब -9 में -1 करोगे तो भाई कितना होगा +8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा। देखो ना करके -1 में -1 अगर करोगे -1 तो -9, -+ हो जाएगा, ठीक है। तो 9 में से 1 में से 9 हो जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है, तो -8 हो गया। अब यहाँ देख लो भाई कि यहाँ 1 है तो अगला वाला होगा तो -8/-9, तो -- खत्म हो गया, तो भाई 8/9 आंसर हो गया, कितना हो गया 8/9। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलो इससे भी और थोड़ा सा तरकता फरकता क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपको नया कॉन्सेप्ट मिले। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा टुटपुंजिया सब क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं भाई आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, बस बने रहो, शुरू से अंत तक बने रहो, है ना। बस लाइक कर देना, दोस्त के लिए शेयर कर देना, अपने लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, है ना। आ जाओ अब भाई देखो, ये सबसे पहले फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन कितना 1/4 है, तो पहले भाई 1 लिखेंगे 4 लिखेंगे, 1 और 4 लिखेंगे। अब देखो कितना बार है, 1 2 3 3 बार कर लो, 1 2 3, ठीक है।
तो अब यहाँ देखो वन नहीं है, थ्री है, थ्री है तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे थ्री, मल्टीपल क्या करेंगे थ्री, फिर यहाँ पे कितना है टू, तो यहाँ मल्टीपल करेंगे टू, यहाँ मल्टीपल कितना करेंगे टू, और यहाँ पे कितना है वन है तो यहाँ मल्टीपल करेंगे वन। समझो बढ़िया से समझो, देखो भाई वन बाय फोर है तो वन और फोर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ मल्टीपल थ्री है तो यहाँ थ्री के यहाँ टू है तो टू के यहाँ वन है तो वन है, अगर यहाँ फाइव रहता तो फाइव करते, टेंशन नहीं है। हाँ एक चीज और देखना, अगर यहाँ प्लस है, प्लस है तो भाई प्लस करेंगे, माइनस होगा तो माइनस करेंगे। देखो एग्जाम्पल, अब देखो चार तिया बारह, एक पीछे वाला जुटेगा, वही चार तिया बारह एक तेरह, ठीक है, चार तिया बारह एक कितना होता है तेरह होता है। अब देखो तेरह दूना छब्बीस, ऊपर में गुना करो, तेरह गुना दो करोगे छब्बीस और प्लस चार, अब देखो तेरह दूना छब्बीस चार कितना होता है तीस, ठीक है। अब देखो तीस गुना एक, तीस गुना एक तीस, और तीस प्लस तेरह नीचे वाला जुड़ता है, तेईस प्लस तेरह तैतालीस, कितना हो गया तैतालीस। अब देखो यहाँ एक है, अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो भाई कितना हो जाएगा तैतालीस बटे तीस, यही आपका आंसर हो गया, तैतालीस बटे तीस यही आपका आंसर हो गया, नो डाउट। प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है कमेंट कर देना भाई, प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है तो कमेंट कर देना। चलो भाई अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए है होमवर्क के लिए, आ जाओ, यही क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। और मैं बता रहा हूँ देखो क्या है, वन प्लस, देखो वन प्लस, ठीक है, वन बाय वन प्लस वन बाय वन प्लस फाइव बाय नाइन इक्वल टू व्हाट। भाई आपको ये क्वेश्चंस को बना करके हमें नीचे कमेंट करना है, मुझे आपके कमेंट का खास इंतजार रहेगा। और डियर स्टूडेंट लास्ट में एक बार और कहता हूँ, चैनल को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। हम बहुत जल्दी नए वीडियो लेकर आएंगे, इसी तरह से ज़बरदस्त टॉनिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।